Hi everyone, my name is Dr. Arvind Kumar. I am consultant at Health First Clinic, Dwarka. आज इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं आर्टिफिशियल स्वीटनेस के बारे में। कई पेशेंट्स पूछते हैं कि डॉक्टर साहब हम कौन सा आर्टिफिशियल स्वीटनर ले सकते हैं जिससे कि हमारा वेट गेन ना हो, हमारा डायबिटीज़ कंट्रोल में रहे। तो फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट आर आर्टिफिशियल स्वीटनेस। तो आर्टिफिशियल स्वीटनर का मतलब है दे आर शुगर सब्स्टिट्यूट। लाइक इंडियन वी हैव वेरी मतलब कि जो हमारी टंग है वो बहुत ही क्रेव करती है मीठा खाने के लिए, तो दैट इज़ आवर नेचर। तो हम उस क्रेविंग को कंट्रोल भी रखें और हमारा शुगर भी ना बढ़े, हमारा वेट भी ना बढ़े, तो वी हैव टू गो फॉर सम शुगर सब्स्टिट्यूट्स। तो शुगर सब्स्टिट्यूट्स को दो ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक होता है नेचुरल, एक होता है आर्टिफिशियल। तो अब नेचुरल का मतलब है कि वो आपके जो है लीव्स में मिलता है, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट है स्टीविया। स्टीविया इज़ अ लीफ, तो वो मीठी होती है, तो उसको हम कहते हैं नेचुरल शुगर सब्स्टिट्यूट है वो। सॉर्बिटॉल और एग्जाम्पल है, ग्लिसरॉल इज़ द अदर एग्जाम्पल, लैक्टिडोटॉल इज़ द अदर एग्जाम्पल। तो इनमें से सबसे इम्पोर्टेंट है जो कि कमर्शियली अवेलेबल है वो है स्टीविया। दूसरे होते हैं आर्टिफिशियल, जिसे हम कह सकते हैं केमिकल्स। तो इसमें से जो अप्रूव्ड हैं वो हैं एस्पार्टेम, सुक्रलोज, सैक्रिन। ये इम्पोर्टेंट हैं आर्टिफिशियल स्वीटनर शुगर सब्स्टिट्यूट्स। तो इनमें से जो सबसे ज़्यादा रिसर्च हुई है वो हुई है आर्टिफिशियल स्वीटनर पे, एस्पार्टेम पे। तो एस्पार्टेम आपने सुना होगा कि वो मिलता है आपको शुगर फ्री के अंदर, दैट इज़ अ ट्रेड नेम, दैट इज एस्पार्टेम। इक्वल, दैट इज ऑल्सो एस्पार्टेम। तो क्या वो हम कंज्यूम कर सकते हैं, कितना कंज्यूम कर सकते हैं? तो इसके लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि जो एस्पार्टेम है वो जो है छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में हमारी बॉडी में ब्रेक डाउन हो सकता है। वो ब्रेक डाउन होता है अमाइनो एसिड्स में, मिथनोल में और फिनाइल एलेनिन में, जिसमें से कि जब हाई टेम्परेचर में है तो मिथनोल बनता है इस एस्पार्टेम से, और मिथनोल एसिडोसिस कर सकता है बॉडी में। इसीलिए ये जो एस्पार्टेम हैं ये कभी भी गरम सब्जी में, गरम फूड में यूज़ नहीं करना चाहिए वाइल कुकिंग, क्योंकि इट विल बी कन्वर्टेड इनटू दैट मॉलिक्यूल मिथनोल। नॉर्मली अगर हम इसको नॉर्मल टेम्परेचर पे रखें तो ये मिथनोल में कम कन्वर्ट होता है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट मॉलिक्यूल है जिसमें कि एस्पार्टेम जो है ब्रेक डाउन होता है वो है फिनाइल एलेनिन। फिनाइल एलेनिन का इंक्रीज लेवल ब्रेन में जाता है, ब्रेन को डैमेज कर सकता है, ब्रेन में सीजर थ्रेशोल्ड सकता है। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको एक डिफेक्ट होता है जिसमें कि वो फिनाइल एलेनिन को मेटाबोलाइज नहीं कर पाते हैं, उसमें ये बिल्कुल एब्सोल्युटली कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। लेकिन घबराइए नहीं, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये बहुत कम क्वांटिटी में रिलीज होते हैं, इतनी कम क्वांटिटी में कि ह्यूमंस के लिए ये ऑलमोस्ट सेफ लिमिट होती है। इसकी डोज पर्टिकुलरली इम्पॉर्टेंट है, और वो डोज आप कभी भी शुगर फ्री लेते हैं या स्प्लेंडा लेते हैं, इक्वल लेते हैं, कुछ भी लें आप, तो उस पर पीछे एक चीज़ को आप ज़रूर देखिए, ये शायद आपको पहली बार पता चल रहा होगा, उसके पीछे एक लिखा होगा ADI। ADI का मतलब है एसेप्टेबल डेली इनटेक। तो एस्पार्टेम का एसेप्टेबल डेली इनटेक है 50 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट पर डे। तो उसके हिसाब से आप कैलकुलेट करिए कि एक टेबलेट का कितना मिलीग्राम है जो आप कंज्यूम कर रहे हैं। तो मैक्सिमम आपको 50 मिलीग्राम पर केजी पर डे के हिसाब से उसको लेना है। अगर लार्ज क्वांटिटी में लेंगे तो ऑफ कोर्स जो हमने साइड इफ़ेक्ट्स देखे वो आ सकते हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट मॉलिक्यूल, और नेक्स्ट मॉलिक्यूल है सुक्रलोज। तो सुक्रलोज इज बेसिकली अ क्लोरीन कंटेनिंग शुगर एंड इट इज स्टेबल एट द हीट, यानी कि इसको कुकिंग के टाइम पे यूज़ कर सकते हैं, हाई टेम्परेचर में इसको यूज़ कर सकते हैं, बेकिंग में, फ्राइड स्टफ में इट कैन बी यूज्ड। और इंडिया में ये अप्रूव्ड है, परमिटेड है,
आइसक्रीम्स में डाल सकते हैं इसको, जैम होते हैं उसमें डाल सकते हैं, डेयरी प्रोडक्ट मिठाई में डाल सकते हैं, स्वीट्स में डाल सकते हैं। इसका साइड इफेक्ट, इसका इम्पॉर्टेंट साइड इफेक्ट है सुक्रोज। इट हैज़ बीन इम्प्लीकेटेड स्टडी वाइज कि ये इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ कर सकता है, यानी इंटेस्टीन में इन्फ्लेमेशन कर सकता है, बट इन लार्ज क्वांटिटी। तो इसीलिए जिन इंडिविजुअल्स को इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ है वो इस प्रोडक्ट को अवॉइड ही करें तो ज़्यादा बढ़िया है। इसका एक्सेप्टेबल डेली इनटेक ADI है 15 मिलीग्राम पर KG बॉडी वेट। नाउ द थर्ड वन इज सैक्रिन। तो सैक्रिन जो है एनिमल स्टडीज में पता चला कि इट लीड्स टू सम ब्लैडर कैंसर्स, लेकिन उसके बाद इतनी एक्सटेंसिव स्टडीज हुई ह्यूमन में तो कोई लिंक प्रूव नहीं हुआ ह्यूमंस के अंदर। हालांकि कई साल पहले इसको कुछ कंट्रीज ने बैन भी कर दिया था। तो इंडिया में इट इज़ अवेलेबल और इसका ADI यानी कि एक्सेप्टेबल डेली इनटेक अलाउंस जो है वो है 5 मिलीग्राम पर KG बॉडी वेट। अब आते हैं फोर्थ, दैट इज़ स्टीविया। तो स्टीविया जैसे हमने डिस्कस किया कि ये प्लांट की लीव्स होती हैं, वहाँ से ड्राइव होता है। तो हमें लगता है कि कोई भी नेचुरल चीज़ है वो सेफ होगी ह्यूमन कंजम्पशन के लिए, नहीं। इसकी ओवरडोज हार्मफुल हो सकती है। इसकी जो ओवरडोज है उससे देखा गया है कि मेल्स में स्पर्म काउंट कम हो जाता है, इनफर्टिलिटी हो जाती है। और इसका एक्सेप्टेबल जो डेली इनटेक है वो है 4 मिलीग्राम्स पर KG बॉडी वेट पर डे। हालांकि ये यूरोप में अप्रूव्ड नहीं है, बट इंडिया में इट इज़ अप्रूव्ड। ये कंजम्पशन के लिए है बोथ इन फूड आइटम्स एज वेल एज द शुगर सब्स्टिट्यूट। नाउ द टेक होम मैसेज समरी ऑफ दिस वीडियो। सबसे पहले है, आर्टिफिशियल स्वीटनर लेने से पहले अपने फिजिशियन को जरूर कंसल्ट करिए, फिजिशियन आपको गाइड करेंगे कि कौन सा आपके लिए बेस्ट है। नंबर टू, हमेशा लेबल को चेक करिए कि ADI कितना है उस पर्टिकुलर आर्टिफिशियल स्वीटनर का। तो अगर आप उस लेवल में ले रहे हैं तो ये आपके लिए एब्सोल्युटली सेफ है। तो और इसका लिमिट करना है यूज़, यानी कि थोड़ा सा अवॉइड करना है इन प्रेगनेंसी, लैक्टेशन और बच्चों में। होपफुली ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।